मेरी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे हलवे जैसी रसीली स्वीट जलेबी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन लेंगे और मैदे का आटा एक बाउल लेंगे और इसमें ऐड कर देते हैं। अब पानी ऐड करेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और हिलाते जाएंगे और आटे को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसी तरह हम हाथों से बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बैटर हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो अब हम इसे 5 से 7 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब 7 घंटे हो गए हैं तो अब हम सिरप बना लेते हैं। हमने एक बाउल शुगर लिया है और आधा कप पानी डाला है और अब हम शुगर का सिरप बनाएंगे। जलेबी के लिए एक तार वाला हमारा सिरप तैयार हो गया है तो अब हम इसे नीचे उतार लेते हैं। हमने गैस ऑफ कर दिया है और गुलाब जल का हम 2 बूंद ऐड करेंगे। गुलाब जल की जगह आप सेफ्रॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरप में हम फ्लेवर को मिक्स कर लेते हैं और ढककर रख देते हैं। बैटर को हमने 7 घंटे पहले बनाकर रखा था वो अब हम चेक कर लेते हैं। मैदा हमारा अच्छी तरह से फूलकर ऊपर आ गया है तो अब हम बेसन 1 चम्मच ऐड कर देते हैं। बैटर में बेसन को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जलेबी के लिए हमें इस तरह का बैटर चाहिए। हमने ऑरेंज कलर लिया है, आप चाहे तो येलो कलर भी ले सकते हो। ऑरेंज कलर को पानी में मिला के हम बैटर में ऐड कर देते हैं। कलर को बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हम एक प्लास्टिक पाउच लेंगे, आप चाहे तो कॉटन का कपड़ा या डब्बा कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम एक कप लेते हैं और इसमें ये पाउच रख देते हैं और बैटर इसमें भर देते हैं। बैटर को हमने पाउच में भर दिया है और ऊपर से हम पैक कर देते हैं। गैस पर हमने पैन लिया है और इसमें घी ऐड कर देते हैं। घी की जगह आप ऑयल भी ऐड कर सकते हो। इसी तरह पाउच को हम काट लेते हैं। अब घी हमारा गर्म हो गया है तो अब हम जलेबी बना लेते हैं। इसी तरह का हम सारा शेप दे देते हैं। अब हम जलेबी को पलट देते हैं। इसे थोड़ी थोड़ी देर में हम पलटते रहेंगे। जलेबी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और शुगर सिरप में हम इसे गर्मा गर्म ऐड कर देते हैं। जलेबी को शुगर सिरप में इसी तरह 2 से 3 मिनट तक हम डुबो के रखेंगे। 2 मिनट हो गए हैं तो जलेबी को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सारी जलेबी बना लेते हैं। तो तैयार है हमारी ये रसीली स्वीट जलेबी। आई होप के मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और एरिस किचन को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।